पिछले 24 घंटे में भारत में क्या हुआ आपको बता देते हैं। कुछ लोगों को सोमवार का इंतजार था, लेकिन वीकेंड के बाद मंडे का इंतजार कौन करता है, इन लोगों को था। ऐसा क्या है सोमवार में? नमस्कार, रिपब्लिक डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बात हाईबॉक्स स्कैम की होगी, एक नया स्कैम। हालांकि स्कैम की दुनिया की बात करें तो ये स्कैम कोई नया नहीं है। चिटफंड स्कैम तो आपको याद होगा, इंटरनेट की दुनिया में जब लोग इतना ज्यादा बिजी रहे उससे पहले ही ये स्कैम सामने आ गया था। कई फेमस यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, अभिषेक की बात करें जिनका फुकरा इंसान नाम से यूजर नेम है, इसके अलावा सौरभ जोशी काफी फेमस है, क्रेजी एक्स वाई जेड और ना जाने कितने यूट्यूबर्स जो कि काफी वीडियोस डालते हैं और उनकी एक से एक वीडियो ट्रेंड भी करती है, लोग उसे देखते हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं। उन्होंने भी स्कैम को स्कैम नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी हाईबॉक्स को प्रमोट किया था और बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था। सबसे ज्यादा प्रमोशन एल्विश यादव ने किया था, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईबॉक्स है क्या? दरअसल पहले ये एक ऐप था जो लोगों ने डाउनलोड किया, पैसे इन्वेस्ट करने का ये ऐप है। आपको वो मीम तो याद होगा या वो मूवी तो याद होगी जहां पर कहा गया था कि 21 दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन यार 21 दिन में ना पैसे डबल नहीं होते, मैं बता रही हूँ आपको, आप समझ जाओ, क्योंकि ये सब ना फ्रॉड ही होता है। सिर्फ मेहनत से ही पैसे बढ़ते हैं और अगर ऐसे पैसे बढ़ रहे होते तो अनुराधा के भी बढ़ ही जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे में प्रमोशन धुआंधार किया गया, लोगों ने पहले शुरुआत में पैसे इन्वेस्ट किए, अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए गए, लेकिन शुरुआत में उन्हें पैसे रिटर्न में मिलने लगे। जब पैसे रिटर्न में मिले तो विश्वास बढ़ा और फिर धीरे धीरे लोगों ने अमाउंट बढ़ाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और एकदम लास्ट मोमेंट जिसके बाद स्कैम सामने आया, उनके पैसे वापस आने बंद हो गए, जिसके बाद लोगों ने शिकायत की। एल्विश यादव से लेकर फुकरा इंसान तक को टैग करके कहा कि हमने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, आपने भी प्रमोट किया था, लेकिन अब हमारे पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद हाईबॉक्स जो कि पहले ऐप था, लोगों ने डाउनलोड किया, इन्वेस्ट किया, अभी भी इसका इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पर हाईबॉक्स के नाम से, जहां हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया गया है और कहा गया है कि मंडे तक आपके पैसे आ जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे दरअसल बिजी रहता है, हमारे जो लोग हैं वो भी छुट्टी पर रहते हैं और वीकेंड वीकेंड होता है, मंडे को पैसे आ जाएंगे। लेकिन मंडे पैसे नहीं आए, जिसके बाद लोग निराश हो गए। ट्यूसडे आ गया और लोगों के पैसे जब नहीं पहुंचे, लोग और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए और उनका कहना है कि अब तो इंतज़ार करते रह रहे हैं हम, लेकिन पैसे आ ही नहीं रहे हैं। तो इधर पूरे मामले में अब शिकायतें की जा रही हैं, आवाज़ उठाई जा रही हैं, एल्विश यादव पर आरोप लग रहे हैं, फुकरा इंसान पर आरोप लग रहे हैं, सौरभ जोशी को आप जानते होंगे, इन सभी ने इस वीडियो को प्रमोट किया था, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये फ्रॉड पहला नहीं है, ये स्कैम पहला नहीं है, क्योंकि ऐसे कई स्कैम पहले भी सामने आ चुके हैं जहां पैसे डबल करने की बात कही जाती है कि अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, 2000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। कहते हैं ना बड़े की मेहनत का पैसा ही काम आता है और बाकी सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, ये बड़ा उदाहरण है, बड़ा एग्जाम्पल है जो एल्विश यादव के प्रमोशन के बाद अब उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। एल्विश यादव की बात करें तो स्कैम, आरोपों और किसी भी कारण की बात करें तो उनका नाता ये पहला नहीं है, ताज़ा मामला ये है। लेकिन इससे पहले भी, चाहे सांपों की जहर की बात करें या उससे पहले भी, कई मामले उनसे जुड़े सामने आते रहे हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए रिपब्लिक डिजिटल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।